और तू क्या करता है यार, मैं तो चप्पल जोड़ रहा हूँ अभी पागल कैमरा में। सबसे पहले नमस्कार, मैं क्यान नवाब लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्यान नवाब, तो कमेंटेटर क्या बोल रहा है? मैं भूल गया था, मैं वीर बख्शी जगती से बात कर रहा हूँ। और आज देख सकते हैं आप, ग्राउंड में बारिश पड़ने के कारण यहाँ कमेटी हॉल नंबर 2 में मैच हो रहा है। तो इसके साथ आज पिच में आप देख सकते हैं जैसे कि टाइल और रेत दोनों का मिलावट है, तो गेंद काफी तेज जाएगी, सीम काफी तेज होगी गेंद। इसके साथ साथ स्विंग भी काफी उम्दा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं वेदर भी काफी सुहाना है, मूड है आज बिरयानी है खाना, वो घर पे मुश्किल है लेकिन पकाना क्योंकि आज मावस है। तो इसी के साथ अब हम सबसे पहले हमारे एम्पायर साहब से मिलना चाहेंगे, पूछेंगे उनसे आज के रूल्स क्या रहेंगे एंड रेगुलेशन। चुक के फड़ा दे जरा जिप्सी चुनागणी, पहली गोली वेलियां दी हिक विच दागणी, चुक के फड़ा दे जरा जिप्सी चुनागणी, ओ पहली गोली वेलियां दी हिक विच दागणी। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, क्या रूल्स रहेंगे सर आज के मैच में? हमने काफी उम्दा रूल्स पूछे हैं इस बार। जी पहले तो हमने बड़ा डिसीजन लिया है कि इस बार हम अनटिप आउट रखेंगे। और अगर अगर इसके पार गई, इस दीवार के पार, इसके दीवार के बाहर गई, आउट है बंदा। सर अगर टप्पा पड़ कर जाए तो? टप्पा पड़ कर नहीं है, वो दो रन दिए जाते हैं, वो दुक्का बोलते हैं उसको हम, वो दो रन दिए जाते हैं उसी टाइम पे, ज्यादा उसमें करना नहीं होता है कुछ। और फिर तीन रन का कुछ, तीन रन का सिलसिला आज हम अगले टूर्नामेंट में करेंगे, ज्यादा उसमें कुछ सोचा नहीं है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो पिच है, आप कुछ पिच परीक्षण बता सकते हैं कि गेंद आप पिच देख ही रहे हो, पिच ये दब भी नहीं रही है, देख रहे हो मेरे टाइल लगे ये टाइल। इस बार हमने ज्यादा कुछ आगे फ्यूचर का सोचा है, इस बार की मैच में हम ज्यादा कुछ करें खतरनाक, ऐसे तो हो जाए मिट्टी की पिच। इस बार हमने टाइल वाली पिच का सोचा, थोड़ा ज्यादा करेंगे हम यही चीज करेंगे इस बार। तो सर हम एट लास्ट हम जानना चाहेंगे कि अभी बारिश भी हो रही है जैसे, तो टॉस कितनी देर में होगा? टॉस करेंगे, टॉस जल्दी करेंगे, लेकिन अभी मेरे को क्या है, मुझे घर पे तनख्वाह नहीं आ रही है, शिकायत नहीं मिल रहा है मुझे, मैं करूँ क्या सर? फिर क्या कर, टॉस करेंगे, टॉस करेंगे, इधर भी अभी चमला लाल अंकल से उधार ले लेंगे हम, टॉस करेंगे, जरूर करेंगे, मैच रद्द नहीं करेंगे हम, रोड बस रहा है फिर भी हम टॉस कर रहे हैं, क्या करेंगे इसमें। तो चलिए फिर सीधे टॉस में मिलते हैं, चलिए आगे। सबसे पहले हम मिलने जाएंगे हमारे कोचेस और काफी टैलेंटेड कप्तानों से, चलिए। अब हम सबसे पहले जवाहरलाल 11 के कप्तान और कोच से मिलने जा रहे हैं, तो आइए। तो कोई नमस्कार मारा, नमस्कार। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी टीम जवाहरलाल 11, ये नाम कहाँ से आपको आया सर? पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये टीम है जवाहरलाल 11, ये आप पूछ रहे हैं कि ये नाम कहाँ से आया है तुम्हारा आइडिया। जवाहरलाल 11 के पीछे एक मतलब बहुत ही गहरा दुख छिपा हुआ है, ठीक है ना। क्या है कि जवाहरलाल जी जो थे इन द लविंग मेमोरी ऑफ अवर टीम, हमने उनकी लविंग मेमोरी में अपनी टीम का नाम जवाहरलाल 11 रखा हुआ है। जी काफी दुखद कहानी है, मुझे आंसू आ रहे हैं, लेकिन आगे इंटरव्यू कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा, आप जगती क्रिकेट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जगती क्रिकेट काउंसिल जो है, ये नाम तो हम नहीं देंगे लेकिन काफी ऊपरी लोग इनमें शामिल है जो आज यहाँ पे जगती में टूर्नामेंट करा रहे हैं। हम इसी सोच के साथ ही टूर्नामेंट करा रहे हैं कि जो हमारा जगती है नशा मुक्त हो और बच्चों को जो है प्लेफुल एक्टिविटीज में और क्या बोलते हैं की तरफ ध्यान आए, और अच्छी भी बात है कि वो इसमें योगदान दे रहे हैं। चलिए आप कप्तान की तरफ थोड़ी बातचीत करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं आपका इस फाइनल के प्रति क्या इंटेंशन लेकर आप ग्राउंड में उतरेंगे? इंटेंशन बहुत ही, क्या बोलूं क्या। आगे चले, आगे बढ़ते हैं अब दूसरे कप्तान और कोच की तरफ। तो अब हम मिलते हैं, अब हम जा रहे हैं मुझी सुपर जायंट्स के कप्तान और कोच के पास, चले। तो नमस्कार, नमस्कार शेख साहब, कैसे हैं? तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस पूरे फाइनल के दौरान? जी हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जैसे ही ओपनर बैट्समैन बैटिंग करने आया, अगर वो पहली बॉल में आउट हुआ, वो टीम से बाहर। तो अब हम इनकी टीम के कप्तान जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख साहब है, उनसे भी मिलना चाहेंगे। तो शेख साहब कैसे हैं पहले आप? हमारे मिजाज तो ठीक ही है, आप सुनाइए आपका क्या हाल है सर? हम भी अच्छे हाल में है। तो आपका क्या
इस पूरे फाइनल के प्रति रहेगा। वैसे आप एक उमदा गेंदबाज है जी जी, मेरे को मैंने सोचा है योगदान देना है अच्छा खासा, उसके बिना तो टीम है नहीं कुछ, आपको भी पता है। तो चलिए अब डायरेक्ट मैच में मिलते हैं, आपने देख लिया, कल सुनेंगे, अब सीधे मैच में मिलते हैं, धन्यवाद। तो अब हमें कप्तानों को बुला लेना चाहिए, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है कि वो आएंगे कैसे? अरे सर आप बोल रहे हो आएंगे कैसे, वो कल के आ चुके हैं, वो हमारी बड़ी वैनिटी वैन है, वो देखो वो देखो खड़ी है, ब्लू कलर की दिख रही है ना आपको, उसी में आए हैं वो, उन्होंने एंट्री मारी है सर, वो आ चुके हैं, अब उनको हम पिच पे बुलाएंगे टॉस करने के लिए दोनों को। तो चलिए अब सीधे टॉस करते हैं, चलिए चलिए टॉस आइए, कप्तानों को बुलाइए। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, ये हमारे क्राउन प्रिंस दुबई के शेख के बेटे हैं, और ये हमारे यहीं पर ही लोकल काफी उमदा प्लेयर ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन, तो पास के लिए तैयार है जी, रिश्ते में चलो मैं अपना सिक्का निकाल लेता हूँ जी, क्या आप ये पाने का सौभाग्य मिले, बिल्कुल बिल्कुल आई गॉट इट, पहले टास्क तो कर ही रहा आई गॉट इट, चले पहले टास्क बिस्मिल्लाह बोलना लिखे एंड कैमरा मैन इट साइड साडो। तो इसी के साथ सर आप आ ही गए, ठीक है आप क्या करना चाहेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? सर आजकल वो रूल तो नहीं रहा एम्पायर, मेरे हिसाब से उनको बैटिंग दे देते हैं ये, आप कहना चाहेंगे फिर भी कुछ नहीं बोला जाऊंगा, ये मैच जरूर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं वैसे तो हम कोई मैच नहीं हारे अभी तक, मतलब बहुत टीमों के साथ नेपाल से खेला हमने, पता नहीं किन किन के साथ खेला हमने, जुट्टी में भी बहुत खेला हमने, वैसे हरे तो नहीं, अब पता नहीं क्या पता जवला ले लाएंगे हरा दिया हमने, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं ना पता जी जी जी। तो चलिए आप डायरेक्ट लाइव एक्शन में मिलते हैं, बाय बाय। बड़ा लाभ है मेरी कस्तु सुख चू चू करा, ठीक है पति फिर हारे स्टैंड से वाया पैसा, ठीक है उतरा आए गुजर आठ से इमन निष्ठ हार रोते ये तरह तू सुख लागा पता नहीं स्विंग तून काला स्विंग ये क्या स्विंग हो इसका तून काला इक्कल चल रहता है कि इक्कल चल रहा है, ठीक है बोल जे मेरी काट नेट सटल भाग जाता है तो ये तरह तो मार दूँ पर अगर तू चुप 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 ठीक है पहुंचे तो इधर वाली का सुन ओपनर अगर तो किसी गड़न से बाल आउट बगर टीम से दफा ठीक है किसी गड़ देवरी ठीक है क्रिकेट गेंद से जुल्फा बलावन मैं करा ती मॉडल असल बैठ गिन पेट में लगते उस टाइम गुजर सुन चपास पता उसमें गैर लाइन क्लास इत के शॉर्ट तरह इत के छोटे तरह इत के तरह असल बैठ गिन से ऑल द बेस्ट रख दी थी शाबाश 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 नेट नेट पवन करना बजा नीर 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 ओवर। अब आप देख सकते हैं कि एम्पायर से थोड़ी बातचीत चल रही है गेंदबाज की, और अब पहली गेंद आते हुए और ये काफी उमदा मिस, गेंद काफी तेज थी और काफी प्यारा शॉट, और गेंदबाज काफी गुस्से में लग रहे हैं, लगता है कि इस गेंद में विकेट आनी होगी, और ये मेरी प्रेडिक्शन है और ये बॉल्ड और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी और मैं ट्राई तो छाते तू तो मैं हूं तब सुकर ना सकता इसी के साथ पहली इनिंग्स की समाप्ति पर दो ओवरों में स्कोर आया है टोटल इनका 15 रन और 16 रन चाहिए 12 गेंदों में, इसी के साथ हम चाहते हैं कि सेकंड इनिंग्स का शुभारंभ किया जाए। काफी उमदा खेला, काफी उमदा खेला ये वाली बैट्समैन टीम ने, अच्छा खेला अब वो भी अच्छा खेलेंगे, मुझे क्या पता उनको कैसे करेंगे, करना अच्छा ही है सबको तभी जीतेंगे, पहले स्टार्ट तो करें शॉट आगे करो जल्दी चलिए बहुत बहुत मानिक
मैं करूँ क्या तेरे को, मैं बदू तेरे को मैं आशी पर बोलू साहब मैं आशो तो लाया था छक चौक बुआ तू क्या पता है आशीर्वाद कौन अर्जो तो इस बार का सर मुझे लगता है सरप्राइज प्राइज रिवील करना पड़ेगा। आइए आपको हम प्राइज दिखाते हैं। ये रहा हमारा आज का प्राइज, उषा जनरेटर जो टीम जीती है इस बार उसका। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी उम्दा जनरेटर है, इसमें पेट्रोल जाता है, अगर आप गरीब है तो डीजल भी डाल सकते हैं। तो ये है काफी उम्दा विनिंग प्राइज। तो मैं चाहता हूँ कि एम्पायर साहब कप्तान को ये प्रेजेंट करें। कप्तान साहब आइए आइए, हमारे कप्तान जो जीते हैं इस बार के, आइए आइए, शाबाश।